22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भक्तों को आमंत्रित करते हुए विस्टोली बेलीपार में अक्षत और पत्रक का किया गया वितरण। लोगों से अपने अपने घरों में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर में स्थापना के उपलक्ष्य में हवन पूजन के साथ दीप जलाकर दीपावली मनाते हुए भगवान श्री राम की प्रति स्थापना का उत्सव मनाने की गई अपील। गोरखपुर में मकर संक्रांति त्यौहार पर आने वाले श्रद्धालुओं के मद्देनजर एसपी रेलवे अवधेश सिंह की अगुवाई में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर डॉग स्क्वाड व बम निरोधक दस्ते भी रहे सक्रिय। जहर खुरानों से बचाव के लिए यात्रियों को किया गया जागरूक। गोरखपुर के माफिया विनोद उपाध्याय एनकाउंटर मामले में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने धर्मशाला बाजार स्थित विनोद के घर पर पहुंचकर पत्नी व बेटे का जाना हाल। कहा, पार्टी इस मामले को लेकर न्याय दिलाने के लिए करेगी आंदोलन। पॉलिथीन को कूड़ेदान में फेंका, 10 रुपये में खरीदा झोला। खिचड़ी मेले को जीरो वेस्ट कार्यक्रम बनाने के लिए मुस्तैद रही नगर निगम की टीम। निगम की ओर से लगाई गई है वेंडिंग मशीन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मशाला स्थित विश्वकर्मा मंदिर में दीवार लेखन अभियान का किया शुभारंभ। अपने हाथों से बनाया कमल का फूल, कहा, अब की बार 400 पार। सदर सांसद रवि किशन ने बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह का पीएम के ऊपर बयान देना बहुत है शर्मनाक। ये अनाज गरीबों को किया जा रहा है वितरित। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने तारामंडल स्थित एक निजी लॉन में जन संवाद कार्यक्रम में लिया भाग। कहा, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी को बूथ स्तर तक करना है मजबूत। 6 फरवरी तक चलेगा विशेष अभियान। सदर सांसद रवि किशन ने माफिया विनोद उपाध्याय के एनकाउंटर पर कहा कि विनोद उपाध्याय के ऊपर थे कई FIR, लाखों रुपये का था इनाम, लोग राजनीति करके ले रहे हैं लाभ। भारत सरकार के द्वारा सस्ते दरों पर उपभोक्ताओं के लिए भारत आटा की गोरखपुर में होगी बिक्री। सदर सांसद ने किया लॉन्च, 27.50 रुपये किलो लोगों को मिलेगा आटा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में फरियादियों की सुनी फरियाद। समस्याओं के लिए निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए आवश्यक दिशा निर्देश।